टीवी के जाने माने एक्टर करणवीर मेहरा के डिवोर्स की खबरों ने इस वक्त हर तरफ सनसनी मचा कर रख दी है। जो भी कोई उनके डिवोर्स की खबरें सुन रहा है, हैरान है, परेशान है। एक्टर की वाइफ और एक्ट्रेस निधि सेठ ने खुद सामने आकर इन खबरों को कंफर्म भी कर दिया है और इसी के साथ साथ खुलासा किया है कि आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो दोनों की शादी महज 2 साल भी नहीं टिक पाई। बताने कि इनकी शादी जनवरी 2021 में हुई थी, मगर कुछ महीने में ही इनकी शादी में खटास आने लगी और अब इन्होंने अलग होने का फैसला भी कर लिया। जहां करण मुंबई में है और अपने शोज की शूटिंग में बिजी है, तो वहीं उनकी वाइफ निधि अपनी फैमिली के पास बेंगलुरु चली गई है। निधि ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपने रिश्ते के टूटने की कड़वी सच्चाई बताई है। ई टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो निधि ने बताया कि दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। निधि की बातों से ये भी इशारा मिला है कि दोनों के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते भी शादी बिगड़ी। निधि ने बताया कि दोनों का 3 महीने पहले ही तलाक हो चुका था। निधि कहती हैं, हाँ हमारा 3 महीने पहले ही तलाक हो गया था, हम साल भर पहले ही अलग हो गए थे। मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते में आए दिन लड़ाई झगड़े होना बर्दाश्त के बाहर होता है और ऐसे में कभी साथ नहीं रहा जा सकता। मानसिक शांति और एक दूसरे के प्रति इज्जत, ईमानदारी और आर्थिक रूप से सक्षम होना एक शादी में जरूरी है। निधि ने आगे बताया कि किसी रिश्ते में आने से पहले कई सारी चीजों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। दुख की बात यह है कि आज भी लोगों को कुछ बर्ताव और इंसानों के बारे में उस तरह से जानकारी नहीं है जिससे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। आपको बता दें कि निधि ने मेरे डैड की दुल्हन और श्रीमद् भागवत महापुराण में काम किया है। वो अभी अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में एंजॉय कर रहे हैं और एक्टिंग से ब्रेक लेकर निधि अब इंटीरियर डिजाइनिंग करियर पर फोकस कर रहे हैं। आपको बता दें कि करणवीर मेहरा की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त देविका से 2009 में की थी। हालांकि ये शादी भी कुछ सालों तक ही टिक पाई और दोनों ने 2018 में तलाक ले लिया। वहीं अब दूसरी शादी भी उनकी टूट चुकी है, जो इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही है। करण ने अपनी दूसरी शादी के टूटने पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है और पूरी तरह से चुप्पी बनाई हुई है। ऐसे में देखना यह है कि आखिर करण निधि के खुलासों पर, निधि की बातों पर क्या कुछ कहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं।